आज हमारे पास केमिस्ट्री 11 फर्स्ट ईयर जो केमिस्ट्री हमारे पास उसमें टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्प्रिकल फार्मूला। तो आइए हम सीखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्प्रिकल फार्मूला क्या है। अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्प्रिकल फार्मूला जी रेस्टोरेंट्स जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एटम का जो है वो हकीकी नंबर बताता है हमें एक्चुअल नंबर की किसी भी कंपाउंड में कितने एटम मिलकर वो कंपाउंड बना, मतलब जो हकीकी नंबर होता है वो बताता है हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है उसमें कितने एटम्स मिलकर वो कंपाउंड बना रहे हैं या मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये करते हैं इट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ये होता है कि एक्चुअल नंबर दिखाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी एटम में, किसी भी कंपाउंड में जो एटम का तादाद होता है, अमाउंट होता है, मिकदार होता है, वो हकीकी बताता है कि कितने एटम मिलकर कोई कंपाउंड बना रहा है। और एम्प्रिकल फार्मूला इट शोज द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ये सिंपलेस्ट रेशो दिखाता है एम्प्रिकल फार्मूला। अब कैसे, तो आइए हम जानते हैं कि कैसे। अब हमारे पास मिसाल है, पहला एक मिसाल ले लेते हैं। अब सी, अब पहले पे हमारे पास है इथेन, एक मिसाल ले लेते हैं इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का, और इसका एम्प्रिकल फार्मूला क्या हो रहा है, C2 का टाइप 1 टाइम, यहाँ पे H पे 3 टाइम। तो ये है एम्प्रिकल फार्मूला। अब फिर इसको एम्प्रिकल फार्मूला में अगर हम लाएंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला में लाएंगे, तो फिर एन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो एन कितना, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, अब उसका क्या करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास इस टोटल का जो है कार्बन का हमारे पास है 12 और यहाँ पे 2 कार्बन 24 हो गए। हाइड्रोजन का एक मास, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, तो 6 इसको मिलाओ तो होगा 30। अब इसका मॉलिक्यूलर जो मास मिला हमें वो मिला 30। अब इसका मास एम्प्रिकल मास। अब एम्प्रिकल मास हमारे पास कार्बन यहाँ पे 1 है, तो 12 और 3 हाइड्रोजन के, 12 और 3 15 हो गए, 15 इसका एम्प्रिकल फार्मूला मास हुआ इथेन का। अब क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला। अब हमें मालूम करना है एन का वैल्यू। अब क्या करते हैं, एन को बाहर लिया जाते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्प्रिकल फार्मूला मास। अब हमारे पास एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर जो मास हमारे पास 30 है हमने निकाला है, और एम्प्रिकल मास हमने निकाला है 15। अब यहाँ पे 1 टाइम टेबल 15 का और यहाँ पे 2 टाइम, इसका मतलब कि हमने एन का जो वैल्यू निकाला है वो 2 है। अब क्या करते हैं, हम वैल्यू पुट करते हैं, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन का वैल्यू हमें निकाला था 2 मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला
जो हमारे पास है CH3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 कार्बन, और हाइड्रोजन 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। सो हमने निकाल लिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला, निकाल लिया है इथेन का। अब दूसरा हमारे पास मिसाल है ग्लूकोज का, तो आइए हम जानते हैं ग्लूकोज का कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी है, अब हमारे पास ग्लूकोज, दूसरा हमारे पास जो मिसाल है एग्जांपल है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एम्प्रिकल फार्मूला इसका होगा, डिवाइड करो यहां से सिस का टाइप 1 H12O1, 1 लिखने की हमें यहां जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमें पता है कि कार्बन 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको फिर लाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ n, यहां पे n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहां पे देखते हैं कि इसका जो मास होता है मॉलिक्यूलर मास, वो पहले हम मालूम करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इसका है कार्बन, कार्बन का यहां पे है कार्बन, कार्बन 6 एटम है और एक कार्बन का जो मास है वो है 12, 72 हुआ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास 1, यहां पे हाइड्रोजन की एटम है 12 से मल्टीप्लाई जवाब 12, और यहां पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास है 16 मल्टीप्लाई करो यहां 6 का ऑक्सीजन एटम 96, ओवरऑल ये बना 180। तो इसका मॉलिक्यूलर जो मास बना 180 बना। अब देखते हैं एम्प्रिकल फार्मूला मास क्या बनता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्प्रिकल फार्मूला मास, कार्बन के 12 और कार्बन के 12 प्लस 12 हाइड्रोजन के प्लस 16 इसके, तो ये 24 12 12 24 16 30। अब इसका हमारे पास जो एम्प्रिकल फॉर्मूला मास जो बना है हमारे पास वो बना है 30। अब हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल, एम्प्रिकल फार्मूला। अब हम क्या करेंगे यहां पे इसका एन का वैल्यू मालूम करने के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉरी एन, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला, फार्मूला मास अपॉन एम्प्रिकल फार्मूला मास। अब एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला मास हमारे पास 180 है, एम्प्रिकल फार्मूला मास हमारे पास 30 है, तो 0 यहां से कैंसिल, 0 यहां से कैंसिल 1 टाइम और यहां पे 6 टाइम, इसका मतलब कि एन का जो वैल्यू हमारे पास 6 मिला है। अब क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला, एम्प्रिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन, एन का जो वैल्यू हमने निकाला है वो 6 मल्टीप्लाई एम्प्रिकल फार्मूला हमारे पास है CH2O। अब कार्बन यहां पे 1 है, मल्टीप्लाई फार्मूला कार्बन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कार्बन, हाइड्रोजन यहां पे 2 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, ऑक्सीजन के यहां पे 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है तो यहां पे 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। सो हमने मालूम कर लिया कि मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो कैसे ड्राइव किया जाता है एम्प्रिकल फार्मूला से। अब सपोज करें, अब हमारे पास बोर्ड में एग्जाम में जो हमारा सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में वो आता है
अब सवाल है बोर्ड में सवाल इसे आ सकता है कि अ कंपाउंड हैज वेपर डेंसिटी इज 14, इट्स एम्प्रिकल फार्मूला इज CHO2 find the molecular formula of the compound. अब वेपर डेंसिटी से मतलब कि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास फार्मूला है, इसका फार्मूला ऐसे होता है जो वेपर डेंसिटी होती है वो उसके बायस होता है डबल हो जाता है मल्टीप्लाई वेपर डेंसिटी। अब इसका जो है फॉर्मूला मेरे पास या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी, मेरे पास 40 है तो ये हो गया 90। अब ये मॉलिक्यूलर ये मास बन गया। अब क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला। अब क्या करते हैं एन का भी हम पहले निकालते हैं, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्प्रिकल फार्मूला मास। अब यहां पे हमने जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है वो हमारे पास 90 है और एम्प्रिकल फार्मूला हमारे पास जो है इसका निकालेंगे कार्बन 12 प्लस 1 और 16 45। अब 40 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो हमने यहाँ पे n का जो वैल्यू निकाला है वो निकाला है 2, n बराबर हमारा हुआ 2। अब हम फार्मूला लगाएंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला, मल्टीप्लाई फार्मूला इज इक्वल टू एन जो हमारे पास है 2 है और एम्प्रिकल फार्मूला हमारे पास है सी वन, ये हमारे पास एम्प्रिकल फार्मूला है। अब CHO2, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 से 2, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मिल गया C2H2O4। एक और हमारे पास प्रॉब्लम है, मिसाल हमारे पास एक और ऐसे भी आ सकता है बोर्ड में, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर मास 78 एंड इट्स एम्प्रिकल फार्मूला, एम्प्रिकल फार्मूला इज CH,
then find the molecular formula of the compound. Dear student, ये इस तरह भी बोर्ड में आ सकता है कि एक कंपाउंड है जिसके पास मॉलिक्यूलर मास जो है वो 78 है और इसका एम्प्रिकल फार्मूला सी एच है. तो हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेटा लिखना चाहो तो डेटा भी लिखकर बहुत ही इजी हो जाएगा. जिससे हमारे पास डेटा डेटा अगर डेटा के बुनियाद पे आप चलते तो फिर भी इजी है. अब यहाँ पे कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का वो है 78 और उसका एम्प्रिकल फार्मूला है सी एच. हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है. मॉलिक्यूलर फार्मूला वी हैव टू कैलकुलेट. सो अब क्या करेंगे फार्मूला हमारे पास फार्मूला कुछ करेंगे बहुत ही इजी है. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला अब यहां पे हम निकालेंगे एन का वैल्यू. पहले हमें एन का वैल्यू मालूम करना है. एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और एम्प्रिकल फार्मूला मास. ये हमारे पास फार्मूला है. अब यहां पे क्या करेंगे हम एन इज इक्वल टू अब यहां पे देखें मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमारे पास है गिवन है वो है 78 और एम्प्रिकल फार्मूला मास हम मालूम करेंगे कार्बन कैटायन और एक हाइड्रोजन 13 13 का डबल यहां पे 1 टाइम यहां पे 6 टाइम. इसका मतलब कि एन का वैल्यू मिला हमें 6. अब क्या करेंगे ये फार्मूला पुट करेंगे दोबारा ये वाला. अब क्या करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय एम्प्रिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एन का वैल्यू हमने 6 निकाला है एन का वैल्यू हमने 6 निकाला है और एम्प्रिकल फार्मूला हमारे पास है सी एच. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू कार्बन यहाँ पे 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो गए. हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है 1 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 6 हो गया. ये हो गया बेंजीन. ये बेंजीन का जो हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ है. सो हमने सीख लिया है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और एम्प्रिकल फार्मूला क्या होता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड में एटम का जो है एक्चुअल नंबर दिखाता है हमें एक्चुअल नंबर जो हकीकी नंबर दिखाता है और ये हमें जो एम्प्रिकल जो फार्मूला है वो हमें सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है लेकिन होल नंबर में. सो ये था.